न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में एक संकल्प ले रहे हैं कि जैसे आज हम हंस गा रहे हैं पूरा साल हंसे गाएं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, सब एक। देखिए पहाड़ों में आजकल युवा नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जी जी, तो इस तरह के होम स्टे वगैरह खुले हैं जिससे पर्यटक आएंगे, पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं पे आमदनी का बड़े बड़े यानी कि रोजगार के साथ तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, 2024 में आपका स्वागत है और रात को 2024 शुरू हो जाएगा और यहाँ पर पहाड़ के अंदर विशेष करके दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान यानी कि देश के हर कोने से पहाड़ के अंदर 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी भीड़ है, मज़ा आएगा पहाड़ के अंदर और मैं वो सब जगह पे जाके आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने 2024 का कैसे स्वागत किया और यहाँ के स्थानीय नेताओं का भी उद्देश्य यही है कि यहाँ टूरिज़्म बढ़े, तो उन नेताओं से भी बात कराऊंगा कि टूरिज्म को किस तरीके से लेते हैं। तो चलते हैं 2024 की तैयारियों में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। फ्रेंड्स मैं हूँ इस समय नैनीताल जिले के भीमताल के अंदर और भीमताल के अंदर आज 2024 की तैयारियां कैसी हैं, लोग कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी रात के प्रोग्राम भी दिखाऊंगा और दिन के भी दिखाऊंगा। चलते हैं 2024 में। तो फ्रेंड्स मैं आया हूँ आज इन पहाड़ में, इन वादियों में, इन घाटियों के अंदर। एक खूबसूरत होटल का आज ओपनिंग है और उस ओपनिंग के ऊपर मैं आया हूँ और आपको इस होटल की खूबी भी दिखाऊंगा और विशेष करके इस होटल के पास आपको पैराग्लाइडिंग भी मिलने वाली है और इन वादियों में इतनी खूबसूरत जगह आपको पहली बार देखने को मिलने वाली है। तो मेरे साथ बने रहे, वीडियो में चलता हूँ अंदर। इतनी खूबसूरत जगह वादियों के अंदर और ये है हमारे नितीश बिस्कुट होटल के ओनर। सर आपने होटल बहुत अच्छा बनाया है, काफ़ी दूर दूर से लोग आपको इस होटल को देख करके तारीफ कर रहे हैं। भाई तारीफ उसी चीज़ की होती है जो किसी लायक हो। सर क्या सोच के बनाया आपने इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर होटल? देखिए पहाड़ों में आजकल युवा नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जी जी, तो इस तरह के होम स्टे वगैरह खुले हैं जिससे पर्यटक आएंगे, पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं पे आमदनी का बड़े बड़े यानी कि रोजगार के साथ रोजगार यानी कि एक मॉडल के तौर पे इन्होंने ये पेश किया है कि ये आप एक रोजगार के तौर पे भी देख सकते हैं कि पहाड़ के अंदर ऐसे भी रोजगार किया जा सकता है। तो मैं अंदर चलता हूँ होटल। साल का शुभारंभ होता है तो सबका मन करता है कि अच्छे अच्छे काम किए जाएं, किसी के होटल का उद्घाटन होता है, किसी के घर का उद्घाटन होता है, तो 2024 अच्छा होने वाला है ये मेरा मानना है। Thank you.
तो फ्रेंड्स आज है हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि 2024, और 2024 में अपने अपने तरीके हैं, कोई किसी तरीके से हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है, और हम करते हैं आज बाबा के घर, बाबा के धाम पर, क्योंकि दूर दूर से भक्त आए हैं ओम शांति मेडिटेशन सेंटर के अंदर, और यहाँ मनोरंजन का लुत्फ उठाया जा रहा है। यानी कि थोड़ी देर पहले तो बाबा का सत्संग, अब ये हो रहा है मनोरंजन। मेडिटेशन सेंटर के जो संचालक हैं और यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं ओम शांति के, यानी कि आत्माएं यहाँ पर पवित्र आत्माओं का आज संयोग से आज जमघट लगा हुआ है, और इन पवित्र आत्माओं से मैं बात कराऊंगा ये नए साल का कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ओम शांति जी। तो नए साल के ऊपर मैं यहाँ की संचालक से बात कराऊंगा, और बड़े सेंटर से भी दीदी आई है उनसे भी बात कराता हूँ। आज इस नए साल पर कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप, बताओ जी। हम सभी यहाँ नए साल में, क्योंकि नया साल है, नए दिन की शुरुआत है, तो जीवन में कुछ नयापन हमको चाहिए, तो हम सभी यहाँ पे मिलके आज हमने संकल्प किया है कि अपने जीवन में खुशहाली, संतुष्टि, खुशी, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक चाहता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अपने कर्मों के प्रति, तो अपनी संस्कृति के प्रति अवेयरनेस, क्योंकि देवता बनना चाहते हैं वो लक्षण चाहिए। तो आज हम सब मिलके आपस में वो खुशहाली मना रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में एक संकल्प ले रहे हैं कि जैसे आज हम हंस गा रहे हैं, पूरा साल हंसे गाएं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, सब एक परिवार मिलके बने, ताकि दुनिया में जो आज झगड़े हैं, दुख है, अशांति है, वो मिटती जाए, तो प्रकृति से भी प्रेम बढ़े, लोगों से भी प्रेम बढ़े, और खुद से भी प्रेम बढ़े। थैंक यू। तो भाई सारा खेल प्रेम का है, आत्माएं, पवित्र आत्माएं, यानी कि यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं इस सेंटर के अंदर, तो सब पुण्य आत्माएं, यानी कि सब अपने धर्म पर, और पवित्र आत्माएं इनको कह सकते हैं, और पवित्र आत्माएं तो पवित्र ही संदेश देंगे। तो भाई ये 2024 का सेलिब्रेशन, यानी कि कोई मेडिटेशन सेंटर के अंदर जा कर के नए साल को सेलिब्रेट कर रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हुए, यानी कि आसमानों को छूने का मन करता है आज नए साल के दिन। तो फ्रेंड्स 2024 को लोगों ने ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया, और 2024 का रात में तो हर होटल के अंदर डीजे, डांस, और लोगों ने खूब खुश होकर के 2024 का स्वागत किया, और यहाँ पर लोगों के सारे होटल फुल, पार्किंग फुल, यानी कि जाम की समस्या हो गई थी, और कुछ लोग यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्लाइडिंग के अपने इंतज़ार में, यानी कि पैराग्लाइडिंग के लिए भी लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से 2024 का स्वागत कर रहे हैं लोग। भाई बहुत ही खुशी की बात। अरे क्या बात है, वैरायटी में नया साल। हैप्पी न्यू ईयर। ये बच्चा भी हैप्पी न्यू ईयर, और आज राम निवास की तरफ से पार्टी। नया साल मुबारक हो राठी जी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दादू।
तो भाई हैप्पी न्यू ईयर। आज हम वैरायटी रेस्टोरेंट यानी कि भीमताल के अंदर, भीमताल के किनारे, ठंडी ठंडी नहर के किनारे होटल खुल गया है राम निवास का। ये टेबल अपने नहीं चल सकती। और भाई गाइस देखिए, इन लोगों ने सारे खाने का उतार दिया है पलस्तर। सारा उतार दिया। और यहाँ पे डिस्कस चल रहा है कि ये सनमाई का भी चल सकती है और ये झूमर कैसे लग रहा है। और बहन जी तो बहुत खुश नजर आ रही है। अरे इनका तो अभी भी चल ही रहा है, बचाना क्यों है, खत्म कर रहा भाई लपेटा। नया साल है देखो, खुश है सब। तो फ्रेंड्स, 2024 का सेलिब्रेशन के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, और इस समय हम भीमताल के नज़दीक और ताल के किनारे किनारे, और ये खूबसूरत होटलों की लाइटें और जगमगाती हुई लाइटें ये कह रही हैं कि सब होटलों में आज हाउसफुल। क्या बात है, ये नैनीताल है, तालों में ताल है, भीमताल। वो कर्कोटक मंदिर की लाइट है ऊपर। वेरी गुड, राम निवास के साथ। तो भाई ये 2024 में, और हमारे साथ राम निवास जी, और ये देखिए कितना चौड़ा हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, यानी कि 2024 का स्वागत करने के लिए ये है इस समय नैनीताल के अंदर। और नैनीताल में बहुत भीड़ है, होटल फुल है, पार्किंग में जगह नहीं है, जाम लगा हुआ है, लेकिन फोटो तो खींचनी थी, जरूरी है। क्या जरूरी है, फोटो खींचनी भी जरूरी है। जरूरी है। 2024 का स्वागत कर रहे हैं लोग, भाई बहुत ही खुशी की बात है। हैप्पी न्यू ईयर।